हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शादी के कार्ड का बैनर पोस्टर कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, यहां पे एक भाई ने मुझे जो व्हाट्सएप पे यहां पे कुछ इस तरीके का एक बैनर भेजा था और बोला था कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाओ, इसके बारे में जो है वीडियो बना के एक अपलोड करो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो बैनर बना लिया हूँ और यहाँ पर अभी आपके सामने जो वीडियो को बना रहा हूँ, तो अभी आज के इस नए वीडियो में इसी बैनर के बारे में बात करेंगे कि आप जो है कुछ इस तरीके का बैनर कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब से। जी हाँ दोस्तों, और इस बैनर को बनाने के लिए मैंने जो भी सारा PLP और PNG यूज किया है, PNG यूज किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो PLP फाइल है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन लोगों को डाउनलोड करना है जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा, पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 3 है, पासवर्ड 5 है, ऐसा करके 3 जगह पर आवाज़ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा। फिर बाद में आप वही कमेंट करोगे, भाई आपने पासवर्ड नहीं दिया है, वीडियो में पासवर्ड नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहना है। वीडियो में आपको पासवर्ड जो है 3 जगह पर ऐसे बोल के बताया जाएगा। तो चलिए अभी इस बैनर पे आते हैं। इस बैनर को आपको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको जो अपने पिक्सल लैब को ओपन करना है, जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओपन करने के बाद साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने फोल्डर में चले जाना है, जो आपने मेरे लिंक से फोल्डर को डाउनलोड किया रहेगा। तो फोल्डर का नाम रहेगा शादी बैनर करके, यहाँ पर आपको इस फोल्डर में चले जाना है। फोल्डर में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का PNG देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो PNG आपका बैनर का बैकग्राउंड है उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक न्यू टेक्स्ट दिख जाएगा, एक ऑप्शन भी आना है, इसको यहाँ पे डिलीट कर देना है। प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है, और यहाँ पे आपको जो भी सारा PNG है वो आपको एक एक करके आपको ओपन करके सेट करना है। तो चलिए, यहाँ मैंने आपको जो भी सारा PNG दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे ओपन करके सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड 1। तो यहाँ मैं अभी के लिए इतना यही, मतलब एक ही PNG ओपन कर रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ पे अपना बैनर जो है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ मैं लेयर के ऑप्शन भी आता हूँ। ये मैंने जो PNG ओपन किया है, व्हाइट कलर का जो बॉक्स है, शेप का डिजाइन है, उसको मैंने लॉक कर दिया है ताकि मुझे एडिटिंग करने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप सबसे पहले ऊपर देखोगे श्री गणेशाय नमः करके लिखा गया, तो ऐसा टेक्स्ट लिखने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया टेक्स्ट लेना होगा। एडिट के ऑप्शन पे जाना है, जो भी लिखा गया इसको कट कर देना है, कीबोर्ड को हिंदी में कर लेना है। और यहाँ पे अभी आपको जो भी लिखना है, जो भी भगवान का नाम, या वैसे तो दोस्तों शादी के कार्ड के बैनर में श्री गणेशाय नमः ही रहता है, तो यहाँ पर चलिए वही लिख लेते हैं, श्री गणेशाय नमः। लिखने के बाद यहाँ पर आपको जो बैक आना है ओके कर देना है। ओके करने के बाद साइज़ आपको इसका छोटा करना है, इसको बीच में यहाँ पे लाके सेट कर देना है। चले जाना है यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन में, जो भी कलर पसंद है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है फॉन्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट पसंद है यहाँ पर आप उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं कोई एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ओके कर देना है, और यहाँ पर जो टेक्स्ट आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसको यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर अभी आप इस मेरे बैनर में देखो, तो यहाँ पर जो वक्रतुंड महाकाय एक साइड में लिखा गया, एक साइड में विघ्न हरण मंगल करण, ऐसा करके कुछ मतलब लिखा गया है। तो ऐसा आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हो। वैसे तो दोस्तों शादी के कार्ड जो रहते हैं उसमें वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोठी समप्रभा ऐसा करके तो लिखा रहता है, तो ये आपको लिखना जरूरी है। तो आपको जैसे मैंने अभी आपको ये श्री गणेशाय नमः वाला टेक्स्ट लिख के दिखाया उसी तरीके से लिखना है, तो आप लिख सकते हो। बाकी दूसरे साइड में मैंने जो लिखा है वहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी लिखना रहेगा लिख सकते हो। उसके बाद बीच में देखोगे तो श्री गणेशाय मतलब गणेश जी का फोटो है, तो यहाँ पर मैंने जो उस फोल्डर में 2 फोटो दे दिया हुआ है, आपको जो भी फोटो पसंद आता है दोनों में से आप कोई भी फोटो को यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद नीचे आते हो तो यहाँ पे देखोगे शिव विवाह करके एक डिजाइन में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे जो PNG दे दिया हुआ है। यहाँ पे आप उस फोल्डर में आओगे तो आपको इसका भी PNG मिल जाएगा, इसको ओपन करना है। थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके चले जाना है इरेज कलर के ऑप्शन पर, इसको इनेबल करना है। टॉलरेंस को फुल करके राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है, चले जाना है कलर के ऑप्शन पर, इसको इनेबल कर लेना है। और इसका साइज आपको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद अभी आपको इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी आप उसके बाजू में देखोगे तो 27 जनवरी 2023 शुक्रवार करके जो लिखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वैसा कुछ इस तरीके से शेप बनाने के लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करके एक नया शेप लेना होगा। और यहाँ पे आपको इस शेप को कुछ इस तरीके से रखना है, नीचे साइज कम कर देना है। और यहाँ पे आपको ये जो मेरा शेप है दोस्तों, इसका शेप का जो कलर है वाइट कलर है, इसके लिए आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं आपको दूसरा कलर सेलेक्ट करके दिखाऊँ तो देख सकते हो अभी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप जो भी कलर है वहाँ पे रख सकते हो। मेरे जो बैनर में देखोगे तो वहाँ पे आपको वाइट कलर दिखेगा, और इसके आउटलाइन में देखोगे तो मेरा जो बैनर है उसमें आपको जो ब्लू कलर है, यहाँ पे अगर मैं आपको आउटलाइन दे के दिखाऊँ तो यहाँ पे आउटलाइन का कलर आप जो भी पसंद करते हो यहाँ पे आप वो कलर को पहले सेलेक्ट करोगे। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए ब्लू कलर को सिलेक्ट करके, और यहाँ मैं स्ट्रोक विड्थ का जो ऑप्शन है इसको बढ़ाता हूँ, तो
देखोगे मेरे उसमें कुछ इस तरीके से आउटलाइन आ चुका है। अभी यहाँ पे जो मेरा राउंड में दिख रहे हुए मेरे बैनर में जैसा दिख रहा है, तो अभी मैंने यहाँ पे जो इसमें राउंड में नहीं किया पासवर्ड 4 है, तो आपको एडिट के ऑप्शन पे जाना है, रेडियस के ऑप्शन बढ़ाना है, जैसा बढ़ाओगे तो आपको इसमें भी राउंड देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आप इसके अंदर डेट हो गया या जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। उसके बाद मेरे बैनर में देखो तो परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो आपको लिखना है, तो लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया है, एक चीज लिख के श्री गणेश नमः वाला उसी तरीके से लिखना है। बाकी नीचे तो यहाँ पे आपको जो लड़के का नाम लड़की का नाम डालना है, तो यहाँ पे मैंने जो लड़के का नाम थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें आउटलाइन और शेडो डाल के लिखा हुआ है, तो मैं आपको चले लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने श्री गणेश वाला टेस्ट लिखा है, इसको सेलेक्ट करके मैं एक ही ऑप्शन भी आ गया, इसका कॉपी ले लेता हूँ, एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, जो भी लिखा गया उसको मैं कट कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लड़के का नाम कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सूरज करके, और मैं बैक आता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे जो टेक्स्ट आ चुका है इसका साइज में साइज के ऑप्शन जाकर बड़ा कर देता हूँ। राइट के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ मैं चले जाता हूँ फॉन्ट के ऑप्शन पर, जाने के बाद यहाँ भी चलिए मैं कोई एक अच्छा सा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे मैं ओके करते हैं, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ स्टॉक के ऑप्शन पर, स्टॉक को बढ़ा देता हूँ। स्टॉक में देखोगे मेरा ब्लैक कलर आ चुका है, यहाँ मैं स्टॉक में वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट के ऑप्शन पर ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ, शैडो के ऑप्शन भी आता हूँ, इसको इनेबल कर लेता हूँ। ब्लर रेडियस को कम करके मैं यहाँ पर ओपेसिटी को भी कम कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर आउटर ब्लू का ऑप्शन है इसको मैं इनेबल करके इसका मैं आउटर ग्लो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, दोनों एक्स वाई जो है ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई को थोड़ा बढ़ा के इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो, और इसी तरीके से आप जो है लड़की का भी नाम लिख सकते हो। बाकी नीचे आते तो यहाँ पे आपको एक शेप में मांगलिक कार्यक्रम लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपको ये जो शेप बना के दिखाया दोस्तों, ऐसे ही शेप बनाना है, बस उसमें आउटलाइन यानी स्ट्रोक नहीं देना है। चलिए मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। मैं प्लस के ऑप्शन में जाता हूँ, शेप की यहाँ मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, मैं जो है शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मेरा एक शेप आ चुका है। इस शेप को मैं ऊपर से साइज कम कर देता हूँ, रेडियस को ऑप्शन उसको मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि मेरा जो इसका आउटलाइन है वो राउंड में यानी सर्कल में हो जाए थोड़ा सा। और यहाँ मैं जाता हूँ जो कलर के ऑप्शन पर, और जाने के बाद यहाँ पर मैं जो है ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने अपने बैनर में सिलेक्ट करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से शेप आ चुका है। अभी आप इस शेप के ऊपर जो भी लिखना रहेगा वो लिख सकते हो। बाकी आपके जो शादी में जो भी मतलब कार्यक्रम किए जाते हैं वो आपको ऐसे ही कुछ इस तरीके से लिखना है। जो भी सारा टेक्स्ट है मैं आपको एक एक करके लिख के दिखाने जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सेम चीज़ करना है, जैसे मैंने आपको एक दो टेस्ट लिख के दिखाया उसी तरीके से लिखना है, तो वो तो आप लिख सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर जो भी PNG मैंने यूज़ किया बैनर में, वो सारा PNG आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप एक एक करके ओपन करके यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको सेट करना रहेगा। इसका मैंने कॉपी लेके दूसरे साइड में सेट किया हुआ है, तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, थर्ड ऑप्शन पे जाओगे, कॉपी लोगे, और यहाँ पे आपको क्रॉप के ऑप्शन पे जाना है, इधर से आपको साइड चेंज करना है, राइट के ऑप्शन क्लिक करके इसको दूसरे साइड में कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। इसी तरीके से आप सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको जो है दो और PNG दिख रहा होगा नीचे के साइड में, तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर एक ये रहा और दूसरा वाला ये रहा, तो इसको भी आप ओपन करके कुछ उसी तरीके से सेट कर सकते हो। मैं आपको इतना करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ करना है, सेम काम करना है, ये सब ज़्यादा बताने में दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है। आप लोग कमेंट करते रहे तो भाई वीडियो छोटा बनाओ, भाई वीडियो छोटा बनाओ, तो यही सब दोस्तों पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग के जैसे कुछ लोग जो मेरे चैनल पर नए लोग भी आते हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वीडियो देखने के बाद, तो उन लोग कमेंट करते रहते हैं भाई जो थोड़ा सा धीरे 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 बोला करो, समझ में नहीं आता ऐसा, मतलब उन लोग मतलब जो नए लोग आते हैं उन लोग को समझ में नहीं आता, इसके लिए बताना पड़ता है वीडियो में। फिलहाल अगर नए लोग भी इस चैनल पे आए हैं, नए लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो उन लोगों को मैंने ऐसा मतलब डिटेल में बताया हुआ है, उस हिसाब से अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा उनको भी कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट बस क्या किया हुआ, मैंने टेक्स्ट वो लिख के नहीं दिखाया हुआ, तो एक बार मैंने आपको लिख के दिखा दिया, तो उसी तरीके से लिखना है, लिख सकते हैं पासवर्ड 4। तो जाइए आप भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन को बनाइए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।